इस इंडस्ट्री को इज्जत दिलाने वाले व्यक्ति हैं। पहले उन्हें बावर्ची महाराज छोटू क्षमा चाहता हूँ कड़वे शब्द, और आपने उस शेफ को जो किचन के अंदर रहता था होटल में, उसको किचन से बाहर निकाल के लाए शेफ को आपने सेलिब्रिटी बनाया। होटल्स में पहले शेफ क्या अंदर बैठते थे, पहले बाहर खाली फ्रंट ऑफिस के लोग होते, आज शेफ की फोटो लगा के होटल में सेल बढ़ाई जाए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। द रिच शेफ रेसिपी वाली सीरीज चल रही है, आप इस वीडियो को एक प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या सिर्फ किचन की नॉलेज से मैं एक सक्सेसफुल शेफ बन सकता हूं। एग्जीक्यूटिव शेफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव शेफ बहुत ही छोटी चीज हो गई है। आज से 20 साल पहले एग्जीक्यूटिव शेफ बनना बहुत बड़ी चीज होती थी, आजकल कॉमन हो गई है। गली मोहल्ले में 5-star 3-star ढेर सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। तो अगर हम लोगों को एक मासिव सक्सेस हासिल करनी है तो हमको क्या सिर्फ किचन की नॉलेज के ऊपर ही रहना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, या उससे कुछ और आगे करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई किचन की नॉलेज का मतलब क्या है। किचन की नॉलेज का मतलब है कि आप एक होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में गए, डिग्री डिप्लोमा आपने कुछ भी किया, वहां से आपने चीजें सीखी और वही सारी चीजें फिर आपने अपने जॉब पे अप्लाई करी। या फिर अगर आप किसी कॉलेज के अंदर नहीं भी गए तो आपने कहीं पे असिस्टेंट हेल्पर के तौर पे कहीं भी होटल में रेस्टोरेंट में क्लाउड किचन में ज्वाइन किया और आपने वहां पे रह के चीजें सीखी, ग्रेवी बनाना, कटिंग करना, ठीक है। तो क्या इन सब चीजों से आप एक सक्सेसफुल शेफ बन पाएंगे? क्योंकि आज तक तो यही होता आ रहा है, हर कोई कॉलेज जा रहा है, कुकिंग सीख रहा है, अपने स्किल को डेवलप कर रहा है, अपने बेसिक्स को मजबूत कर रहा है, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। सक्सेसफुल का मतलब आप समझ चुके हैं मेरी बात, कि मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बोल रहा हूँ। अब जितने भी तरीके आप लोगों ने आज तक सुने होंगे, सब जगह यही सुना होगा, अपने बेसिक को स्ट्रांग करो, इवन मैं भी बोलता हूँ आपके बेसिक को स्ट्रांग करो, बट सिर्फ इन्हीं चीजों से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। सक्सेस किस प्रकार की? संजीव कपूर की, ठीक है। मैं उनको एक तरीके से आइडल बोल सकते हो, मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया सक्सेस कैसे आपको मिलेगी। हम में से अधिकतर लोग जैसा भी बनना चाहते हैं, हम लोग उनको कॉपी करते हैं, उस शेफ को कॉपी करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं किसी अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, अच्छे 5-star में ट्रेनिंग कर लूंगा, अच्छी जगह नौकरी करूंगा और सक्सेस हासिल कर पाऊंगा। बट लेटर इन द स्टेजेस, मतलब कि काफी समय के बाद आपको समझ आता है कि भाई मैं जो भी कॉपी कर रहा था वो तो चीजें काम नहीं कर रही है, ठीक है। और अधिकतर आप में से इस चीज पे लोग एग्री भी होंगे, लोगों की उम्र निकल जा रही है, 30 साल 40 साल 50 साल के हो रहे हैं, जो आज से वो 20 साल पहले सोच के इस इंडस्ट्री में आए थे, कुछ भी नहीं कर पाए, ना पैसा कमा पाए, ना नाम कमा पाए। अब भैया ये सक्सेस मिलेगी कैसे? यहाँ पे अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को आप दूसरे शब्दों में क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो। इमेजिनेशन का मतलब है एक ऐसी चीज जो आज तक नहीं हुई है। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, एक अपने किचन से, एक दूसरी बाहरी दुनिया से। इस समय हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब मोबाइल ही नहीं था। जो भी लेटर्स दिए जाते थे पहले कबूतर्स के द्वारा दिए जाते थे, कबूतर आपके लेटर को जो आप बोल सकते हैं डिलीवर करते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बन गए, पोस्टमैन आ गए, ठीक है, और लोग उसके ऊपर ही बिल्कुल आप बोल सकते हैं आश्रित थे। पर किसी ने सोचा, इमेजिन किया, देखा, सपना आप बोल सकते हैं या क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, कि भाई क्या कोई एक ऐसा यंत्र बन सकता है जिससे कि मैं यहीं बैठे बैठे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसी से मैं बात कर पाऊं। तो आज से पहले वो किसी के दिमाग में नहीं आया था, बट अगर हम देखेंगे अब बहुत सारे जो हमारे टेलीफोन के या मोबाइल के ब्रांड हैं जो कि सिर्फ कॉपी करते जा रहे हैं, बट अगर मैं जब बात करूँ, जो इनिशियल किसी ने बनाया होगा तो लोग उस पर हंसे भी होंगे, लोगों ने उनको पागल भी कहा होगा, बेवकूफ भी कहा होगा, बट उनकी वो इमेजिनेशन थी, उन्होंने उस पर लगातार काम किया और उनको वहां पे सक्सेस हासिल हुई। अब आपको जो मोबाइल के फोन के अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, ठीक है, अब तो मोबाइल फोल्ड भी होने लगे हैं, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, 4-4, 5-5 कैमरे आ गए हैं, 5-5 सिम आ गए हैं, ठीक है, तो ये तो बाद में सिर्फ कॉपी हो रहा है, बट जो ओरिजिनल आइडिया था कि एक इंस्ट्रूमेंट से एक जगह से दूसरे जगह बिना जाए बात करना, वो सबसे ही अलग था, एक आप बोल सकते हैं एक अलग ही प्रकार की क्रिएटिविटी थी। सेम अगर मैं इसको अपने कलरी लाइन के अंदर लाऊं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, दाल मखनी बना रहे हैं, दाल मखनी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अगर मैं दाल मखनी बना रहा हूँ, मैंने कॉलेज में सीखी वो दाल मखनी, फिर मैंने होटल में जाके सीखी और मैं कहीं ट्रायल पे जा रहा हूँ, तो मैं दाल मखनी ही दे रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे।
बट एक समय ऐसा भी होगा जब इस संसार के अंदर या मैं अपने इंडिया के अंदर कहूँ दाल मखनी होगी नहीं। अब किसी ने सोचा होगा कि भैया वेजिटेरियन को कुछ ऐसा मैं परोस के बनाऊं या मैं ऐसा कुछ खिलाऊं जो कि एक तरीके की हिस्ट्री बन जाए। तो उन्होंने इजाद किया या उन्होंने पहले सोचा मैं दाल को मक्खन को और अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट को मिला के एक डिश बनाता हूं जिसका कि नाम दाल मखनी होगा। तो यहां से दाल मखनी इजाद हुई और अगर इस समय आप देखेंगे दाल मखनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको बनाने वाले ठीक है वो भी बहुत पॉपुलर हुए, अब वो इस दुनिया में नहीं है ठीक है जी, गुजराल जी हमारे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा हमारे संजीव कपूर जी का। नॉर्मली सब लोग एग्जीक्यूटिव शेफ बनते थे, वो बहुत ही कम उम्र में एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, उसके बाद टीवी शो चालू हुए, पहले टीवी शोज वगैरह नहीं होते थे, उन्होंने वो चालू किए ठीक है, वो उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी सोच थी। टीवी शो काफ़ी सालों तक उनका चला ठीक है, फिर वो एंटर करा उन्होंने बिजनेस के अंदर। उससे पहले शेफ लोग बिजनेस नहीं करते थे, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स चेन खोली, अपने खुद के टीवी चैनल्स खोले, आपके खुद के अपने प्रोडक्ट खोले जो कि अभी भी हैं। तो वो एक प्रकार से इमेजिनेशन थी कि भाई ऐसा हो सकता है, एक सोच थी, एक क्रिएटिविटी थी और उसको वो लगातार 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 करते चले गए। अब जो भी उनकी तरह कर रहे हैं या वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ उनको कॉपी कर रहे हैं। ओरिजिनल सिर्फ संजीव कपूर ही थे जिन्होंने कि एक कुक को एक शेफ का दर्जा दिया, उससे पहले हर किसी को कुक ही बोला जाता था। उन्होंने सिखाया कि लोग किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं एक शेफ रहकर भी। तो आप लोगों को भी अगर एक मासिव सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको भी ऐसा ही कुछ क्रिएटिव सोचना होगा, एक ऐसी इमेजिनेशन को सोचना होगा जो कि आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ किचन के नॉलेज से या किसी रेसिपी को कॉपी करके आप लोग कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं संजीव कपूर को अपना आइडल मानता हूं और जो भी वो कर रहे थे कहीं ना कहीं मैं अपने ढंग से अपनी इमेजिनेशन यूज करके उस चीज को कोशिश कर रहा हूं करने की। यूट्यूब पे मैं स्टार्ट किया था, हम लोग रेसिपीज नहीं बनाते थे, लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई आप शेफ हो, रेसिपीज क्यों नहीं बनाते हो, शेफ का काम तो सिर्फ खाना बनाना होता है। बट मेरी ये इमेजिनेशन थी कि भैया खाना बनाना तो आपको कॉलेज में भी सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, सीख आप जाओगे, बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो जो जो भी मेरी लाइफ में हुआ या जो भी हम लोग कर रहे थे या पर्सनली मैं कर रहा था वो आप सबको मैं यहाँ पे सिखाने लग गया। और आप देखोगे चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स हम लोगों से कनेक्टेड है, बिजनेस ऑनर्स को हम लोग बिजनेस सिखा रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप्स में हम लोग इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं ठीक है। तो ये जो मेरी इमेजिनेशन थी जो कि कहीं ना कहीं आप बोलोगे हम लोगों ने संजीव कपूर से सीखी थी, बट अपने तरीके से उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में अभी हमारे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे IHM गुरुकुल जो कि कम्प्लीटली स्टूडेंट के लिए वेबसाइट है, जाके आप उसको देखेगा, हमारी www.startrestaurant.in जो कि सिर्फ ऑनर्स के लिए है वो भी हमारी वेबसाइट है, वो हमारा अलग प्रोडक्ट है। कुछ समय के बाद हमारे जो खुद के मर्चेंडाइजर भी आने वाले हैं, इवन हम एज अ इन्वेस्टर भी कई सारी फर्म्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो यही सारी मेरी इमेजिनेशन थी जिसको कि मैंने सोचा और मैं करने लग गया ठीक है। और आपको कभी भी डरना नहीं है कि आपकी इमेजिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करोगे ना तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे ठीक है, तो उनकी हंसी को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जब वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी तब उनको जरूर यकीन हो जाएगा। जैसे टेलीफोन पे लोगों को यकीन हुआ, बल्ब जब बनाया किसी ने, उससे पहले किसी को यकीन नहीं था ठीक है कि भैया बल्ब भी बन सकता है, लाइट भी जल सकती है किसी कांच के अंदर, वो भी हो गया ठीक है। किसी ने सोचा नहीं था कि भैया कोई पंछी के अलावा, पक्षी के अलावा उड़ भी सकता है, तो एरोप्लेन बन गया। तो जो भी आप करेंगे लोग आपकी इमेजिनेशन पे जरूर हंसेंगे, बट आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और तब तक करना है जब तक कि आपको कामयाबी ना मिल जाए। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरी इस राय को जरूर मानेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।